पढ़ने वाले हैं 3D फिगर्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? 3D फिगर्स। ये 3D फिगर्स क्या होता है? 3D मतलब थ्री डायमेंशनल क्या होता है? इसमें लेंथ वेट हाइट तीनों हो। लेंथ वेट और हाइट तीनों हो। थ्री डायमेंशनल मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ब्रेथ एंड हाइट तीनों हो तो ऐसे फिगर क्या कहलाते हैं? 3D फिगर। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट हो इससे क्या मतलब होता है? अच्छा, थ्री डायमेंशन का मतलब होता है तीन डायरेक्शन। अब ये तीन डायरेक्शन के क्या मतलब है? तीन दिशा का क्या मतलब है? देखो, 3D का मतलब देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी पूरी ये जो है, ये हमारी क्या है? पूरी ये क्या है? स्पेस। क्या ये? स्पेस। अब हमको पता है ऑलरेडी कि क्या पता है कि पॉइंट पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है? लाइन। क्या बनता है? लाइन। अच्छा, लाइन लाइन को मिलाने से क्या बनता है? लेंथ फिगर। क्या होता है? लेंथ फिगर। बहुत सारे पॉइंट को मिलाते तो लाइन, बहुत सारे लाइन को मिलाते तो लेंथ फिगर। अब बहुत सारे जब प्लेन को मिलाते हैं तो बनता है स्पेस। क्या होता है? स्पेस। स्पेस। अब हम लोग जो बात कर रहे थे तीन डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो हमारी पूरी स्पेस होती है वो पूरी स्पेस होती है, हम उस पूरे स्पेस को अपनी सुविधा के लिए, अपने उसको स्टडी करने के लिए, कि मान लीजिए कहीं कोई वस्तु है तो उसको सही से समझाने के लिए हम तीन डायरेक्शन में पहले पूरे स्पेस को बांट लेते हैं। कितने डायरेक्शन में? तीन डायरेक्शन में जैसे बांट लेते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेस, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास स्पेस था इस तरीके से। देखो, अब ध्यान से सुनो इस चीज को, ये स्पेस हमारे पास है कैसे? देखो ध्यान से इस चीज को, जैसे ये हमारा पूरी स्पेस है तो हम लोग क्या किए, एक ऊपर की ओर बांट लिए। किधर बांट लिए? ऊपर की ओर। एक इसके आगे की ओर। एक पेन दो, जरा सा पेन दो, है ना। चलो अब देखो गौर से इस पेन, गौर से देखो इस चीज को गौर से देखो। पूरी स्पेस जो था इसको हम अपनी सुविधा के लिए, मान लीजिए कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, तो हम पूछेंगे कहाँ होगा, इसको समझाने के लिए हम लोग क्या किए कि इस पूरे स्पेस को समझाने के लिए, इसमें कोई भी वस्तु हो उसको बताने के लिए हम लोग इसको तीन डायरेक्शन में बांट लिए पूरे स्पेस को। एक डायरेक्शन क्या है कि जो इधर का हो, इधर की ओर होगा सो। एक किधर बोले? इधर की ओर होगा सो, ये वाला, ठीक है। एक बोले कि इधर की ओर होगा सो, और एक बोले ऊपर की होगा होगा सो। समझ में आया क्या? एक इधर की ओर होगा सो, एक इधर की ओर होगा सो, और एक इधर की ओर होगा सो। इसमें आप देखो कि हम पूरे स्पेस को कितने डायरेक्शन बांट लिए? तीन डायरेक्शन। अब यहाँ आप कहोगे कि सर यहाँ होगा सो, यहाँ होगा सो, यहाँ होगा, भाई दोनों इसी के पैरेलल है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर मान लीजिए यहाँ हो, कोई कहेगा यहाँ होगा तो यहाँ होगा तो यहाँ, ये इसी का क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। सेम डायरेक्शन है। क्या है? सेम डायरेक्शन। क्लियर है? तो पूरी स्पेस को हम लोग कितने डायरेक्शन में बांटे? तीन डायरेक्शन में। तो जब कभी भी हम स्पेस के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा उसमें कितने डायरेक्शन आ जाएंगे? तीन डायरेक्शन। और उसी डायरेक्शन को हम लोग अपने मैथ के लैंग्वेज में जो हम यहाँ यूज करेंगे उसमें लेंथ विड्थ और हाइट के रूप में नाम देते हैं। किसके रूप में? लेंथ विड्थ और हाइट। वो हमारे मानने के ऊपर डिपेंड करेगा कि लेंथ कौन होगा, विड्थ कौन होगा, हाइट कौन होगा। क्लियर है क्या? यस सर। लेंथ विड्थ और हाइट। लेकिन जनरली अगर हम अपने रियल लाइफ को देखें तो उसमें हमको मिल जाता है, जैसे हम लोग ये घर देखे तो घर की ये वाली जो लंबाई है, घर की ये वाली लंबाई है, उसको हम लोग क्या लेंथ लेंगे? सबसे बड़ा लंबाई, उससे बड़ा विड्थ होगा, और ऊपर की जो होता है उसको हम लोग क्या लेंगे? हाइट ले लेंगे। तो इसीलिए तो हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी अगर स्पेस होता है उसमें तीन चीजें देखने को मिलता है। क्या? एक लेंथ, और एक विड्थ, और एक हाइट। ये तीनों चीजें जब होगी तो उसको क्या नाम देंगे? स्पेस देंगे। और जो फिगर बनेगा उससे, उस फिगर का क्या नाम देंगे? फिगर।
हम लोग अपने आसपास जितने भी फिगर देखते हैं उसमें से बहुत सारे लगभग ऑलमोस्ट फिगर आपको ज्यादातर बहुत फिगर आपको 3D देखने को मिल जाएंगे। जैसे अपने आसपास देखो तो हम लोग अपने खुद ही 3D है, खुद क्या है 3D ठीक। आप बात करो बेंच डेस्क जितने भी आप देख रहे हो, फैन मोबाइल आपकी बुक है ना, आपकी कॉपी सारे की क्या है 3D फिगर है। अब कुछ बच्चे को कहना, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन रहता है 3D और 2D में है ना। जैसे मान लो 2D में अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो उसके ऊपर का जो सरफेस है उस सरफेस को क्या मानते हैं हम लोग 2D मानते हैं, उसको प्लेन मानते हैं, क्या मानते हैं प्लेन मानते हैं। जबकि जबकि अगर हम बात करें इस पूरे कॉपी को क्या बोलते हैं 3D बोलते हैं। अब अंदर क्या हो गया 2D और 3D में, देखो नॉर्मली अब देखो होता क्या है, जैसे इसमें क्या है ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, और ये खाली एक पेज की बात करें तो इसकी लेंथ मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है ना, और ये 13 सेंटीमीटर है, तो विड्थ कितना होगा 0.mm होगा, बहुत कम mm नहीं होगा, बहुत कम mm में होगा। तो हम लोग मानेंगे क्या कि इसकी लंबाई की तुलना में, चौड़ाई की तुलना में, लेंथ और विड्थ के कंपेरिजन में ये मोटाई क्या है बहुत कम है, 9 के बराबर। तो हम ऐसा मानेंगे कि ये वाला जो सरफेस है उसमें क्या हुआ केवल लंबाई और चौड़ाई, तो हम इसको प्लेन कंसीडर कर लेंगे है ना। लेकिन एक्चुअल सही से बात करेंगे तो ये भी एक 3D है, पढ़ना तो ये भी 3D की तरह होगा, लेकिन हम इसको प्लेन मानेंगे प्लेन क्योंकि इसमें दो ही चीज हम कंसिडर करने जा रहे हैं। तो ये जो सरफेस होगा, खाली सरफेस की बात करें, ये हमारा क्या होगा प्लेन होगा। जबकि अब चलिए आप इस कॉपी की बात कर लेते, पूरी कॉपी की, तो इसमें क्या होगा दोस्त, देखो ये लेंथ हो जाएगा, ये विड्थ। अब मोटाई देखो, मोटाई कंसिडरेबल हो गया, मतलब अब इस मोटाई को हम कंसिडर कर सकते हैं, तो अब ये हमारा 3D एग्जैक्ट दिखने को मिल जाएगा, समझ में आ रहा। तो कॉपी हमारा 3D होगा, जबकि ये सरफेस की बात करें तो ऐसा हमारा होगा प्लेन, यानी प्लेन होगा। तो अब बात आते करते हैं कि हमारे आसपास तो 3D फिगर बहुत सारे दिख जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कॉमन 3D फिगर है। कॉमन मतलब जो हमको बराबर यूज में आ जाएगा, जो बराबर देखने में आ जाएगा, जो हमें मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए जनरली दिया जाता है, क्लियर। तो आइए हम उसमें से कुछ 3D फिगर को देखते हैं, क्लियर। तो चलिए एक एक करके हमने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके 3D कुछ फिगर बना लेते हैं, पढ़ाते पढ़ाते पूछ भी गया हुआ है सर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 3D, जैसे आप अपने घर की बात करें तो जो हमारा घर होता है, जरा तो बात करते हैं घर हमारे या तो स्क्वायर शेप से बना हुआ होता है या फिर रेक्टेंगल शेप से बना हुआ होता है। तो अगर हम घर की बात करें दोस्त, तो घर में अगर हम कहें हमको अभी हम लोग सीखे जस्ट क्या कि जो 3D फिगर होता है वो किससे बना हुआ होता है, प्लेन से। बहुत सारे प्लेन बनाते हैं, तो आप जरा सोचो कि आपका जो सामने का जो दीवार है वो आपका एक प्लेन है कि नहीं है। तो अभी हम घर के इसी घर के बारे में बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि घर कितने प्लेन से मिलकर बना हुआ है। तो ये आप देखो, ये आपका एक प्लेन, वो घर का दूसरा जगह दो प्लेन, ये कौन प्लेन बना, तुम लोग बताओ कितना हो, चार ही है, कितना कहाँ कहाँ, राइट में वो प्लेन है, वो लेफ्ट में, वो सामने, वो बैक में, वो टॉप में, वो बॉटम, नहीं कितना प्लेन है, छह प्लेन है नहीं। तो इन छह प्लेन से एक घर बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्पेस हो जाएगा, क्या बात क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोग इन कुछ फिगर जो हमारे आसपास जो 3D फिगर बनते हैं उसका कुछ नाम दिए हुए हैं और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ताकि हम और भी अगर आगे जैसे जैसे जाएंगे और भी ढेर सारे 3D फिगर को पढ़ पाएंगे, क्लियर। बट यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कॉमन 3D फिगर जो हमारे मैट्रिक तक की क्लास की होती है, यानी अभी बचपन से लेकर और मैट्रिक तक की क्लास में जो कॉमनली देखने को मिल जाएगा हमारे बुक में, हम लोग अब उन्हीं 3D फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी जितने भी है हमारे बेंच डेस्क टेबल, ये जो आप देख रहे हो खिड़की है ना, पंखा, लगभग सारे ऑलमोस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं 3D फिगर होते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप सही से देखोगे तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों कंसिडर किया जा सकता रहता है, क्लियर है क्या। चलिए अब बात करते हैं दोस्त कि हमारे पास एक फिगर यहाँ पे देखिए अब आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है, एक फिगर बना रखे हैं। देखो दोस्त इस तरह की फिगर, इसमें आप देखो गौर से, अगर आपको ये फिगर दिख रही है तो गौर से देखो, ये आपके लिए हमने मिट्टी का बना के पेंट कर रखा ताकि आपको बहुत ही क्लियर समझ में आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम थ्योरेटिकली जब समझते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर नहीं होती है, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग ना मिट्टी का एक बना के पेंट करके रखे जिससे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। देखो अब जो हम लोग यहाँ जो 3D फिगर पढ़ने वाले हैं, पहले उसको नाम लिख लेते हैं फिर एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक। देखिए
तो सबसे पहले हम जब थ्री डी फिगर के बारे में बात करें तो आपको याद होगा हम थ्री डी फिगर दिखा रहे हैं कौन कौन सा हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। हमको जो पढ़ने के लिए मिलने वाला कौन कौन थ्री डी फिगर मिलने वाला है दोस्त, इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको वाई बोलते थे, इसको जेड बोलते थे। ठीक है, ठीक है, ये इतना 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 तक तो हमको आइडिया लग चुका है। अब हम बात करते हैं थ्री डी फिगर के लेके, तो आइए देखते हैं थ्री डी फिगर के लेके तो हमारे पास कौन कौन सा थ्री डी फिगर हम लोग स्टडी करने वाले थे, उसको नोट डाउन करते हैं। क्या होगा? क्यूब। बहुत बढ़िया। किसका? क्यूबॉइड। सिलेंडर। तीसरा? सिलेंडर। सिलेंडर। कौन? चौथा? स्फीयर। स्फीयर। कौन? पांचवा? कौन? कौन? ठीक है, आगे प्रश्न भी होता है ये सब चीजें। तो हम लोग अभी इसको एक फंडामेंटल वीडियोस के रूप में रख रहे हैं, नॉट ये बेसिक बनाने के लिए आपकी है, तो सो डेट इसमें हम वो सब कंसिडर नहीं करते। टेंथ में प्रश्न भी पढ़ना पड़ता है चल के, है पिरामिडल शेप भी होता है तो पिरामिड होता है, वो सब चीजें भी हम देखेंगे आगे, लेकिन हमें अभी नहीं देखना ये चीजें। हमें अभी जितना हम दिख रहे हैं हम लोग को अभी इन्हीं मेन शेप के बारे में स्टडी करनी है, जिससे हमारा एक अच्छा खासा बेसिक्स बन जाएंगे थ्री डी फिगर के रिगार्डिंग। क्या क्लियर है ये? तो आप लोग हम लोग अभी एक एक करके इन सारे फिगर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम इरेज करें। यस सर। अब हमारे पास देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या क्या फिगर है ना, हमारे पास थ्री डी फिगर में क्या क्या फिगर है एक बार जल्दी बोलो जल्दी सुनो। क्यूब। क्यूब। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। सिलेंडर। सिलेंडर। स्फीयर। कोन। स्फीयर। कोन। कोन। कोन नहीं, कोन है ना, कोन। तो क्यूब जैसे हमारे पास अगर क्यूब की शेप के बारे में, तो कुछ ऐसा क्यूब इस तरह की कुछ शेप जो थ्री डी फिगर देखेंगे, इस तरह के जो थ्री डी फिगर देखेंगे दिखेंगे, उस फिगर का नाम हम लोग क्या देंगे? क्यूब। इस तरह के कुछ थ्री डी फिगर दिखेंगे उसका नाम हम लोग क्या देंगे? देंगे क्यूब। क्यूब देंगे। ठीक है, अच्छा क्यूबॉइड। इस तरह के कुछ रेक्टेंगल, देखो ये स्क्वायर से बना, ये स्क्वायर से तो ना, ये रेक्टेंगल से बना रहा है, किससे बना रहा है? रेक्टेंगल से। इस तरह के जो शेप बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अच्छा जी, ऐसे जब शेप बनेंगे वो क्या होंगे? सिलेंडर। अच्छा, ऐसा कुछ शेप बनेगा उसको क्या, वो क्या होंगे? स्फीयर। अच्छा, ये तो सर्कल लग रहा है, अच्छा सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है? अच्छा, इस तरह जो शेप दिए रहेंगे हम बता रहे हैं, सारी चीजें क्लियर करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। ये थ्री डी और टू डी होता है, सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? टू डी। और स्फीयर क्या है? थ्री डी। थ्री डी। तो कुछ इस तरीके का उस शेप सब होते हैं, एक एक करके हम लोग रियल देखेंगे और इसकी सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे एक एक करके, एक एक करके जितने भी थ्री डी फिगर है इसके बारे में सारी कैलकुलेशन, सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे और सबको समझेंगे। और ये भारी नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। अब आपको हम पढ़ाएंगे आपको लगेगा कि सच में ये कुछ भी नहीं होता है, हम जैसे फॉर्मूला से फॉर्मूला मार लेते हैं जिसके कारण दिक्कत हमें होती रहती है, बट ये भारी नहीं होता, बहुत बहुत ही आसान होता है। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग देख के और अपने आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, अपने आप देख के क्या करेंगे? आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू होंगे हम लोग किसके साथ? क्यूब के साथ शुरू होते हैं। किसके साथ शुरू होते? क्यूब के साथ। क्यूब के साथ हम लोग के पास एक ऐसा शेप भी है क्यूब, जिसमें आप गौर से देखिए और हमको बताइए कि आप इसमें कितने सरफेस यानी प्लेन नजर आ रहा है, बताइए तो। अच्छा, एक इसके नीचे दो, एक तीन चार पांच छह, कितने प्लेन नजर आ रहे हैं? छह प्लेन नजर आ रहे हैं आप लोग? यस। क्या बात है, तो आप लोग समझ रहे हो। अब देखो छह प्लेन नजर आ रहे हैं वो, उसके बाद आप बात करो इसमें एक इसका प्लेन कैसा है, प्लेन बताओ किस शेप का है? स्क्वायर। स्क्वायर शेप का प्लेन किसका है? स्क्वायर। अब गौर से बताओ आप हमको कि इसमें
इसको बोलते हैं एज, इसको क्या बोलते हैं एज, इसको क्या बोलते हैं एज, इसको क्या बोलते हैं एज। तो बताओ कितने एज होंगे, बताओ जरा सोचो। बारह, एक एज, दो एज, तीन एज, चार नहीं, इसके बाद क्या होगा, पांच, छह, सात, आठ नहीं, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस हो गया। कौन बोला था बारह? अरे सही है बारह, ये तो कुछ चीजें देखो तो दू को जोड़ ना लिया है कई गो में, बारह को ही है जोड़ा, देखो दू को जोड़ लिया। अब देखो एक, दो, तीन, चार, चार को ऊपर वाला हो गया ना, तो बात जोड़िए लिए है, तो इसमें आप चार जोड़ेंगे नहीं, तीन क्या जोड़ेंगे, एक, दो, तीन, चार तीन सात हो गया। अब इसमें ये भी जुड़ा गया, इसमें कितने क्या जोड़ेंगे, दो, क्या होगा, दो, हाँ कितना हो गया, नौ। अब इसमें भी ये जोड़ लिया, इसमें कितना होगा, ग्यारह, दो, इसमें कितना हो जाएगा, एक, ये भी जोड़ चुके हैं, बारह नहीं, समझ में आया, हाँ। तो उन्नीस बीस को नहीं होगा, आप दो दो बार जोड़ ले रहे हो, इसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। अभी क्लियर हुआ सबको, कितना एज कितना हो जाएगा, बारह। सब चीज लिखाएंगे, उसकी चिंता आप ना करो, सब चीज लिखेंगे एक एक करके, कितना एज होगा, बारह एज। अच्छा ये जो है ये वर्टेक्स, कितना होगा वर्टेक्स, कितना, गिन लेते हैं, क्या रहे तुम तो कंफ्यूज क्या हो रहे हो, गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार। कोई कोई आप दो बार मत गिन लेना, देखो एक, दो, तीन, चार, जैसे आप इधर बार गिने थे, तुम तो गिन चुके हैं ना, ये कितना हो गया, पांच, छह, ये कितना हो गया, सात। अच्छा ये गिना चुका है हम लोग का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, चार ऊपर, चार नीचे, चार ऊपर, चार नीचे, काम कम्प्लीट, चार ऊपर, चार नीचे, चार नीचे, काम कम्प्लीट। इधर से देखने जाएंगे तो उसका भी यही हो जाएगा, इधर तक देखेंगे तो ये तो गिन चुके हैं, ये भी गिन चुके हैं, नहीं तो कितना ये, कितना वर्टेक्स हो जाएगा, यानी कॉर्नर ये कितना हो जाएगा, कॉर्नर का वर्टेक्स तो कितना हो जाएगा, आठ। क्या बात क्लियर है, एक बात बताओ, स्क्वायर को होती है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी साइज क्या होती है, आपस में पूरा एक ही जैसे स्क्वायर से बना हुआ है, सेम स्क्वायर से बना हुआ है नहीं, इसमें जितने भी जो आप एज देख रहे थे सब क्या होगा, इन साइड क्या होगा, जितने भी साइड होगा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक ए होगा तो पूरा क्या होगा, ए, क्या होगा, ए, नहीं समझ में आ रहा क्या, बहुत ही बात हम लोग इसमें, अब हम लोग इसको समझने को निकल हुआ क्या, सब बात देख लिया क्या, सबको समझ में आया क्या, इसी बात को लिख ले क्या, तो चलिए क्यूबॉइड से शुरू करते हैं, सॉरी क्यूब से, तो किसी को क्यूब से कौन सा शेप था, क्यूब से। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में, क्यूब लिखेंगे और क्यूब का एक फिगर बड़ा सा बना लेंगे। किसी को समझने में दिक्कत हो रही है क्या, हम लोग को समझ, रट्टा नहीं मारना है, अपने आप ही सवार चला जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, रट्टा नहीं मारना, क्या नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, अपने आप चला जाएगा सब, ऐसे पढ़ लेंगे ना हम लोग मैट्रिक तक पर एकदम गदा उड़ा लेंगे, है ना, कोई टेंशन, मैट्रिक में बच्चा रट्टा मारता रहता फॉर्मूला को, अभी इतना बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, एकदम लगेगा कि ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही होगा, ठीक है जी, यस सर। ये कैसा शेप है, क्यूब तो थ्री डी तो है भाई, थ्री डी फिगर के बारे में पढ़ेंगे तो थ्री डी तो है, उसके बाद क्या है, क्यूब, क्यूब है। अच्छा क्यूब तो हम लोग के पास आ गया, हम लोग के पास क्या आ गया, क्यूब आ गया। अच्छा जी अब इसकी पूरी साइड क्या होगी, ए, तो इसके बारे में हम प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, इसके बारे में क्यूब के बारे में प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखने हैं, इन्हें हम याद नहीं करेंगे, अपने आप निकल के आया है। क्या होगा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, क्यूब, एक क्यूब के पास कितने एज और साइड होते हैं, बारह एज होते हैं, क्यूब हैज
ट्वेल्व एज एज और साइड नहीं क्या क्लियर है yes, sir. दूसरा कितना वर्टेक्स था या कॉर्नर कह सकते हो क्यूब हैज एट वर्टेक्स और वर्टेक्स या वर्टिसेस देखिए हम पोलर या भी एजेस होगा और साइड्स होंगे जो कर लीजिए क्या वर्टिसेस वर्टिसेस और क्या कह सकते हैं कॉर्नर्स ठीक है yes, समझ में आया बात yes, किसी को कोई डाउट ठीक है तीसरा प्रॉपर्टी तीसरा कितने प्लेन होते हैं इसमें तो कहेंगे क्यूब हैज इट हैज कितना प्लेन सिक्स प्लेन कोई दिक्कत नो सर अच्छा इस सब बात हम लोग समझ में आए आप ही लोग बताए ये बात ठीक है चौथा पॉइंट इच प्लेन इज कैसा शेप का होता है स्क्वायर ये बात तो आप ही लोग बताए हो सारा अभी तो कोई दिक्कत नो बहुत बढ़िया अब यहाँ तक तो हम लोग सीखी है आप ही लोग बताओ बात सीख के ठीक है जी अब यहाँ तक सही रहा अब बात करते हैं कैलकुलेशन की क्या चीज की कैलकुलेशन की अब देखो ध्यान से सुनो ये है सरफेस ये क्या है सरफेस इसको बोलते हैं सिक्स प्लेन बोले हैं या फिर कह सकते हैं सिक्स सरफेस क्या बोल सकते हैं सिक्स प्लेन या सरफेस है ना क्लियर है एक सरफेस दो सरफेस तीन चार पांच छह ठीक है अच्छा अब बात करते हैं यहां से आगे जो इसमें छह सरफेस होते हैं तो जरा सा सोचते हैं हम लोग इसकी जो सरफेस है ना ई जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या किया पेंट किया है ना यस सर अब मान लीजिए हम पेंट करने के लिए इसको मिस्त्री को बुलाते हैं ठीक है छोटा मिस्त्री छोटा मिस्त्री कहता है कि देखिए हम इसको पेंट करेंगे ना तो इस पेंट का जितना एरिया होगा उसके हिसाब से हम पैसा लेंगे जितना रुपया एरिया होगा उसके हिसाब से हम आपसे रुपया लेंगे तो हम सोचते हैं अरे कितना बड़ा है इसका रुपया कितना आएगा खर्चा निकालते हैं टोटल कर कोई छ एरिया है उसमें एक एरिया एक कितने एरिया कितना देगा सोचेंगे ना तो हमें ये एरिया निकालने आना चाहिए तो उसके लिए इस एरिया का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया क्या नाम देते हैं सरफेस एरिया इस एरिया क्या बोलते हैं सरफेस एरिया इस एरिया क्या बोलते हैं सरफेस एरिया क्या क्लियर है ये यस सर क्लियर है ये यस सर तो अगर हम लोग बात करेंगे इस एरिया को तो क्या बोलेंगे सरफेस एरिया ठीक है तो अगर हमसे कहा जाए कि सरफेस एरिया निकालना है क्या निकालना है सरफेस एरिया तो कैसे निकालेंगे क्लियर क्या कहा है सरफेस एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे वही हम लोग सीखेंगे तो आप बताओ ये अगर मान लीजिए इसकी साइड का नाम देते कि ए लंबाई का किस लंबाई का कुछ ना कुछ तो होगा दो मीटर तीन मीटर चार मीटर हम लोगों ने बताया हम लोगों ने ए मीटर का कितना है ए मीटर या ए का है और ये साइड ए होगा तो बताओ एक सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर का है स्क्वायर शेप का है इस सरफेस का कितना एरिया हो जाएगा स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर तो एक सरफेस का कितना जाएगा ए स्क्वायर जरा सोचो कि अगर ए स्क्वायर है तो एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सिक्स सिक्स स्क्वायर सेम है हाँ वाह क्या बात है देखो क्या हो जाएगा सिक्स स्क्वायर देखो हमारे क्लास में सबसे 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 जो मॉडरेट लेवल बच्चा है जो कम समझ सकता था वो ये है और देखो ये कितना बढ़िया से बता रहा है सिक्स ए स्क्वायर इसलिए हमें फक्र महसूस होता है कि देखो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में आराम से आ जाएगा देखो ये बता रहा है खुद से किसे कितना हो जाएगा सिक्स और यही बच्चा रट्टा मारता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स ए स्क्वायर हो जाता है सिक्स ए स्क्वायर
समझ में आ रहा ना, यही रट्टा मार कर रखा बच्चा। अभी आपको पता चल रहा है कि कैसा आता है, कितना हो जाएगा? तो हम लोग बोले तो हम लोग का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a² तो हम लोग कहेंगे क्या, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? लेकिन दोस्त रुको रुको रुको, एक बात और है, एक बात और है। यहाँ पे दो तरह के सरफेस एरिया की बात आपसे पूछ लेगा कभी कभी। एक बार बोलेगा कि कंप्लीट सरफेस एरिया, एक बार बोलेगा एक बार क्या बोलेगा और एक बार बोलेगा कर्व सरफेस एरिया। अच्छा दोस्त, अब आपको कंप्लीट और कर्व में क्या अंतर? अभी जो हम लोग देख रहे थे पूरा कंप्लीट के बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कंप्लीट सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे थे, जो कितना आया था? 6a² कितना आया था? 6a² अब बात करते हैं कि देखो दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादातर केस में हमको देखो कर्व कैसे बनता है। ये कर्व, ये जो ए सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये चारों साइड का सरफेस ऊपर नीचे छोड़ के, और ये नहीं होगा, ये नहीं तो ये हमारा पूरा कर्व बनाता है। ये क्या बनाता है? कर्व। तो ये चारों सरफेस एरिया को हम बोलते हैं, पूरा मिला के क्या बोलते हैं? जब इसको ऊपर और नीचे जोड़ देते तो कंप्लीट सरफेस एरिया। जैसे अगर हम बात करें आपको समझाने के लिए, तो ये बक्सा देख रहे हो, इस बक्सा में जो नीचे वाला दोनों है वो खोल देंगे ऊपर वाला, है ना, क्या कर लेंगे? खोल लेंगे। तो ये देखिए, इसको काट के हटा देंगे, तोड़ के हटा देंगे, क्या करेंगे? तोड़ के हटा देंगे, हटा ही देते, रुक जाओ, है ना। और तोड़ के अगर हटा देंगे दोस्त, देखो समझो इस चीज को, अभी वैसे तो आगे क्यूबॉइड शेप का है लेकिन उसे चीज से समझ सकते हैं। अभी खोल के हटा दिए तो अब देखिए, अगर इसको प्रिंट, इस पे जो पेंट का प्रिंट करवाया है, प्रिंट का पैसा अगर लेगा तो अभी क्या ऊपर नीचे तो प्रिंट प्रिंट नहीं करेगा, खाली चार तो कर्व नहीं करेगा। तो हमको ये सरफेस एरिया निकालना है, तब हमको पता चलेगा कितना खर्चा लगेगा, नहीं तो इस बार सरफेस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ देते क्या हो जाता? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये चारों साइड एरिया होगा, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया कितना बोलेंगे? कंप्लीट क्या बोलेगा? कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज कितना हो जाएगा? 6a² अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो 4a² कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 4a² अब लोग किसी को समझा रहे होंगे सब? यस सर। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझा पाओगे ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना, लेकिन अभी अभी हम लोग को एक बात और भी सीखना है। अभी तो एरिया के बारे में बात कर लिए है ना, एरिया के बारे में बात कर लिए, अब बात आती है क्या चीज की? एरिया के बाद वॉल्यूम की। हमको पता है कि 3D एक स्पेस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है? वॉल्यूम। 3D स्पेस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है? वॉल्यूम। अच्छा, लंबाई को किसमें आते हैं? मीटर में। इसमें मीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, या कुछ भी डेसीमीटर में, कि लंबाई यूनिट में, क्लियर? अच्छा, एरिया किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, है कि नहीं? इंच स्क्वायर, क्लियर है ये बात? अच्छा, वॉल्यूम किसमें आएगा? मीटर क्यूब में। किसमें आएगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कहीं भी ऐसे कुछ लिया होगा क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, फीट क्यूब, है ना, क्लियर? इंच क्यूब, है ना। अगर ये दिया हुआ तो हम समझ जाएंगे क्या दिया है? अच्छा, वॉल्यूम, है ना। तो अब बात आती है कि जो जो वॉल्यूम बना है इसकी, ये जो वॉल्यूम बनी है पूरे फिगर से, यानी प्लेन के किनारे से जो स्पेस बना है उसकी वॉल्यूम जो बनी है, वो वॉल्यूम कितना होगा? वो वॉल्यूम कितना होगा? अच्छा, वॉल्यूम से तुम लोग बात समझ आ रहा? तुम लोग वॉल्यूम को मतलब ये वॉल्यूम का क्या होता है कि जो हम लोग एक देखो नॉर्मली देखो ध्यान से सुनो, क्या होता है वॉल्यूम का क्या मतलब होता है समझो। हम लोग क्या करेंगे ध्यान सुनो, हम लोग क्या करेंगे, ये मिटा दें घर, यस मिटाइए,
देखो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, हम आपको अभी समझा रहे हैं कि वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, फिर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे वॉल्यूम। अभी पहले समझते हैं वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्या 2D फिगर का वॉल्यूम होगा? नहीं। 2D फिगर का वॉल्यूम नहीं होगा। आपको हम कह देंगे कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, वॉल्यूम निकाल के देने के लिए दे पाओगे क्या? नहीं। क्या बोलोगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? 2D फिगर का वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम होने के लिए क्या चाहिए? लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चाहिए। वॉल्यूम होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूध देने वाला आता है तो आपको माने एक लीटर दूध देता है, क्या होता है? एक लीटर दूध। अब आपको वो जो एक लीटर दे रहा है वो वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम। अब आपको पता करना है कि जो एक लीटर दूध दे रहा है वो सच में एक लीटर दे रहा है कि घपला मार रहा है कि नहीं, वो अगर पता करना है तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या चाहिए? देखिए आप क्या करो, डेसीमीटर समझते हो? हाँ, सेंटीमीटर समझते हो? यस सर। सेंटीमीटर समझते हो ना? यस सर। आपका जो स्केल होता है, स्केल जो फीट होता है, वो जनरली जो हम लोग को मिलता है वो 15 सेंटीमीटर कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो ये 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है हम लोग के पास में, अच्छा आपको पता है कि डेसीमीटर कितना होता है, एक डेसीमीटर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। यस सर। क्लियर है ये? yes, मतलब स्केल में तंगे काट के हटा दे, मतलब इतना लंबाई में क्या होगा, एक डेसीमीटर लगभग? yes, yes, नहीं yes, से कुछ 5 सेंटीमीटर हटा देंगे तो इतना लंबाई में क्या होगा? डेसीमीटर। इस तरह से क्या होगा लगभग? yes, sir. है अब आप समझ आ रहे डेसीमीटर कितना होगा? yes, sir. अब क्या करेंगे हम लोग, एक वो अथी बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कंटेनर। कैसे बनाएंगे कंटेनर? जो बटिया टाइप में होता है, क्या बटिया टाइप में, कटोरा टाइप के। एक काम करेंगे कटोरा बनाएंगे। अब भाई वो हम लोग कूट का ही क्यों ना बना ले, क्या बना ले? तो हमने क्या करेंगे, कूट का बनाएंगे, उसकी लंबाई का रखेंगे ध्यान से, कूट का जो बनाएंगे हम लोग कंटेनर, तो क्या करेंगे जैसे कंटेनर बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे जब हम कंटेनर बनाएंगे तो उसमें देखो यहाँ कंटेनर कैसे बनेगा हम लोग का, भाई सही से फट नहीं गया। चलो दोस्त कंटेनर जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक डेसीमीटर लंबाई ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एक डेसीमीटर लंबाई। एक डेसीमीटर चौड़ाई ले लेंगे, क्या लेंगे? एक डेसीमीटर चौड़ाई। एक ये लंबाई हो गया एक डेसीमीटर, एक डेसीमीटर कितना चौड़ाई हो गया, ठीक है। और एक डेसीमीटर ऊंचाई ले लेंगे, क्या लेंगे? ऊंचाई। एक डेसीमीटर लंबाई ले लेंगे, एक डेसीमीटर चौड़ाई ले लेंगे और एक डेसीमीटर ऊंचाई लेके ऐसे कंटेनर घेर के बनाएंगे, चारों तरफ से घेर के ऐसे बनाएंगे कंटेनर, बनेगा ऐसे बढ़िया की तरह ऐसे? यस बनेगा। यस कितना कितना नाप के, एक डेसीमीटर लंबाई, एक डेसीमीटर चौड़ाई और एक डेसीमीटर ही ऊंचाई, ये हो नहीं पा रहा है यहाँ, लेकिन एक कितना करेंगे, एक डेसीमीटर लंबाई ले लेंगे, एक डेसीमीटर चौड़ाई इसका ज्यादा है ना, फिर यहाँ से काट लेंगे, मान लो ये काट लेंगे, काटेंगे यहाँ से करेंगे, काट लेंगे, काट लेंगे, तो एक डेसीमीटर लंबाई, एक डेसीमीटर चौड़ाई और उतना ही कर लेंगे ऊंचाई, इस तरह से कटोरा टाइप बनेगा। यस सर। एक एक जैसे एक एक डेसीमीटर लंबाई, एक डेसीमीटर चौड़ाई और एक डेसीमीटर ऊंचाई, इससे चारों तरफ से बना लेंगे तो कटोरा बनेगा। यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। और उस कटोरा में आप दूध डालिए, अब पूरा पूरा पैक हो जाना चाहिए, और नहीं पैक होता है समझला कर रहा है वो, है ना, क्योंकि पैक हो जाता है, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो आपका एक लीटर होगा, कितना होगा? एक लीटर। तो उस कटोरा का जो वॉल्यूम बनता है, जो ये जो क्षेत्र बन रहा है, जैसे आप बनाए ना कटोरा से क्षेत्र बनाए, उस क्षेत्र को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। जो स्पेस जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। हाँ, जैसे हमारा ये घर हुआ ना, ये घर, घर में जो ये जगह बन रहा है इस दीवार सब के कारण, ये इसकी क्या कहलाएगी? वॉल्यूम कहलाएगी। क्या बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, समझ में आ गया ये बात? यस सर। वॉल्यूम हमेशा किसमें मेजर करेंगे? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, डेसीमीटर।
किलोमीटर क्यूब है ना, किलोमीटर क्यूब लीटर है ना, उसका सवाल आपको लीटर में दिया है, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर में। लीटर में दिया है तो इसमें बदलना पड़ेगा मीटर में। मीटर क्यूब, जैसे लीटर में दिया है तो उसको मीटर क्यूब में बदलेगा, क्योंकि बदलने पर क्या है मीटर क्यूब। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, ताकि तब वॉल्यूम निकालेंगे, ताकि निकालेंगे वॉल्यूम सर्वे के लिए। थ्री डी सर्वे का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? होगा। सर्वे फ्री का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? होगा। बहुत बढ़िया। अब चलो, अब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पेस वो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम है ना। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, दूध वाला का चेक कर लो तुम लोग। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी आपको बताया है कि जो वॉल्यूम होता है वो आपको क्या बोलेगा, देखिए एक डेसीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम किसे मापे हम लोग, क्यूब में, उसको क्या बोलते हैं, एक लीटर। क्या बोलते हैं? एक लीटर। समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, लीटर में आज में किस में क्या संबंध होगा? देखो एक, देखो ध्यान से सुनो, एक लीटर हो गया। देखो आप डेसीमीटर को क्या ले सकते हैं, क्यूब को, डेसीमीटर गुना वन डेसीमीटर गुना वन डेसीमीटर मल्टीप्लाई वन डेसीमीटर होगा वो। यस सर। अब देखो, अब इतना बराबर क्या है, एक लीटर, हम क्या है मीटर में बदलना। अच्छा, डेसीमीटर को मीटर में बदलना तो क्या करेंगे, दस से डिवाइड करेंगे, एक बटा दस मीटर होगा ये, एक बटा दस मीटर होगा ये, एक बटा दस मीटर होगा ये, बराबर क्या होगा, एक लीटर, एक मीटर होगा ये। यस सर। अच्छा, यहाँ देखो ये हो गया एक मीटर क्यूब ऊपर में नहीं है, और नीचे में होगा एक हजार नहीं। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक लीटर, क्लियर है क्या? यस सर। ये समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगर हम बात करें, ध्यान सुनो, अगर हम बात करें उसको इधर भेज देंगे तो एक मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो एक हजार, एक हजार लीटर, लीटर, एक हजार लीटर। क्या बात समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। बहुत बढ़िया। एक मीटर क्यूब कितना बराबर होगा, एक हजार लीटर। इसका क्या मतलब समझे सो समझाते हैं आपको। हम लोग का जो ऊपर टंकी रहता है वो कितना लीटर का रहता है, किसी का 500 का, किसी का 250 का, और किसी का 1000 का। मतलब उसमें 1000 लीटर पानी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, तो हमारा देखो जो हमारे ऊपर का टंकी रहता है वो किस टाइप का रहता है, सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर ना बना के उसी टंकी को, सिलेंडर के हिसाब से भी आपको समझाएंगे, लेकिन उसी के हिसाब से अगर हम एक मीटर लंबाई ले, एक मीटर लंबाई इतना होता है, एक मीटर लंबाई ले ले, एक मीटर चौड़ाई ले ले, और एक मीटर ऊंचाई लेके वो बढ़िया की तरह बनाएंगे, तो उसमें जितना पानी आएगा वो 1000 लीटर पानी आ जाएगा उसमें। फिर सुनो कितना क्या बोले, एक मीटर लंबाई, एक मीटर चौड़ाई और एक मीटर ऊंचाई लेके वो बढ़िया जैसे कंटेनर बनाएंगे, तो उसमें जो पानी आएगा वो 1000 लीटर आएगा। जितना टंकी में आपका 1000 लीटर मरता है उतना पानी उसमें अट जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो ये आपका एक मीटर क्यूब का मतलब हुआ, एक मीटर लंबाई, एक मीटर चौड़ाई और एक मीटर ऊंचाई से क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, 1000 लीटर बनेगा। समझ में आ गया? यस सर। ये भी आप लोग छाप लो, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी सवाल समझे दोस्त। अब बात करते हैं हम लोग की क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब लंबाई मीटर में हो तो मीटर क्यूब में आएगा, डेसीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्यूब की वॉल्यूम की, ठीक है। चलो वॉल्यूम समझते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअली आपको पता है, वॉल्यूम स्पेस बनेगा तो वॉल्यूम बनेगा। चलिए अब बनाते हैं। अभी बताइए आप कि ये आप देखो, ये सरफेस देख रहे हो? यस सर। अब ये एक सरफेस जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मुझसे अभी बनाए आपके लिए। तो इसमें क्या है कि हम ऐसा मानते हैं कि ये जो लंबाई है और ये जो ये आपका स्क्वायर मान लेते, कैसा मान लेते, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सेप में थोड़ा सा और ये होता है कि नहीं, लेकिन हम मान लेते क्या है, स्क्वायर है। दोस्तों ये स्क्वायर का होगा तो ये भी ए होगा, तो ये कितना होगा, ए। इस सरफेस ये कितना होगा, सब कंफर्म है कि सरफेस कितना होगा, ए स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं ए स्क्वायर, पेन दो एक, ठीक है। ये सरफेस कितना होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ए स्क्वायर, सब मान रहा है इस बात को, क्लियर है सबको ये? अब दोस्त क्या वॉल्यूम बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, उतना ही बड़ा ए साइड का एरिया इधर से देना पड़ेगा, इधर से देना पड़ेगा, इधर से देना पड़ेगा, इधर से देना पड़ेगा, तभी जाके
वॉल्यूम बनेगा इसका यस सर। सरफेस एरिया यस सर। वॉल्यूम बनाने के लिए हम सब चारों तरफ से एक हाइट देना पड़ेगा इसमें यस सर। तो देखिए वॉल्यूम बनेगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये एरिया था, अब एक काम करते हैं इसको साइड से हाइट देते चले जाते हैं। देखिए एक हाइट दिए, हाइट दिए, हाइट दिए, हाइट दिए, अब ये क्या बन गया, ये वॉल्यूम बना यस सर। वॉल्यूम बना ना यस सर। अब ये जो ऊंचाई होगा बताओ कितना होगा, ये वाला ऊंचाई कितना होगा, ए होगा यस सर। होगा ये यस सर। टू डायमेंशन में गुना पहले से कर लिए थे, गुना पहले से कर लिए थे यस सर। अब ये हाइट दिए यस सर, हाइट दिए तो वॉल्यूम बना यस सर। और हाइट दिए तीसरा डायमेंशन गुना करेंगे यस सर। तीसरा डायमेंशन से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर पहले ही से है और उसमें ए वो, और जब हाइट दे दिए तो ए आ गया यस सर। उसे मल्टीप्लाई करेंगे यस सर, कितना हो जाएगा एक की उन्तीस की वॉल्यूम कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या यस सर। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तो बन रहा है टोटल में कितना हो जाएगा, क्लियर है क्या यस सर। तो हम लोग एक बात और नोट करेंगे सातवां में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कितना, एक क्यूब। समझ में आया क्या सबको यस सर। अच्छा कहीं भी हम लोग ए के बारे में कुछ नहीं लिखे हैं, ए क्या था, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर लिख लेंगे हेयर हेयर, ए क्या है, ए बराबर साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। दोस्त इस तरीके से हम लोग अभी क्यूब के बारे में लगभग वॉल्यूम तक की बात पहुंच गए। अब एक चीज और आ जाएगा, वो होगा डायगोनल, क्या होगा डायगोनल, डायगोनल। अब बात करते हैं डायगोनल की, ठीक, ये नोट कर लिया आप लोग यस सर। आप एक मिटा लीजिए जगह यस सर, मिटा ले, अब ये बेंच में चले जाते हैं, अब ये बेंच में, ठीक। अब बात करते हैं डायगोनल की, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, ये आपको दिख रहा है यस सर। अच्छा जीजीर कोना खेला, जीजीर कोना यस सर। कौन कौन खेला है, कोई आप तुम नहीं खेलो और कोई नहीं खेला है, खेला है यस सर। अरे आई कोना में खड़ा होता है, वही कोना में खड़ा होता है, वही कोना में खड़ा होता है, वही कोना में रहता है, तब कहता है कि हाँ वो बीच में रहता है, जीजीर कोना कौन कोना जब कहता है की हाँ, कोना का नहीं खेलते रहता, खेलते रहता है ना। अच्छा चलो अब हम लोग इसमें कोना कानी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कोना कानी, डायगोनल की बात करते हैं। दोस्त देखो डायगोनल इसमें क्या होगा, देखो डायगोनल कैसे बनेगा, ये दिख रहा है आपको यस सर, दिख रहा है यस सर। ये एक इंच यहाँ और एक इंच इसके टॉप पे, देखो ध्यान से, यहाँ आपने क्या करना, एक कोना पर, एक कोर्नर पर एक रॉड रख लेना, ए रॉड को ऊपर वाले कोर्नर पर ले आना उस साइड के, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, इस कोर्नर पर रख रहे हैं और ये वो इस कोर्नर पे ले जा रहे हैं, दिख रहा है ये यस सर। नहीं दिख रहा है कैमरा में, नहीं दिख रहा है, अच्छा कैमरा में दिखा देते हैं, देखो दोस्त देखिए ऐसे, ये एक कोर्नर पे ये रखेंगे, एक कोर्नर पर ये ले जाएंगे, क्लियर yes, से इस कोर्नर, ये हमारा होगा डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होगा डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होगा डायगोनल ऑफ क्यूब। अच्छा अब देखो जो हमारा स्क्वायर का डायगोनल खाली ये वाला रहता, ये वाला रहता, ठीक है, ये वाला रहता, ये वाला, इसकी डायगोनल क्या होता, ये वाला होता yes, तो ये कितना होगा था बताओ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं टू ए स्क्वायर होता है, कितना होता था टू ए स्क्वायर। ये खाली अगर इसकी बात करें, स्क्वायर की बात करें, खाली दोस्त अगर खाली स्क्वायर की बात करें, खाली स्क्वायर की बात करें तो ये कितना होता था, ये कितना था रूट अंडर ए स्क्वायर का था, रूट टू ए स्क्वायर कितना था, रूट टू ए होता था, ये होता था रूट टू इनटू साइड होता था। अब ई बना डायगोनल को क्या कर रहा है, उठा दे रहा है, कर रहे हैं नहीं, थ्री डी बना रहे, अभी टू डी में था, ये किसमें है टू डी में, और इसको ऊपर कर किसमें जाते हैं थ्री डी में, तो ए वो और ए स्क्वायर बढ़ जाता है इसमें, क्या बढ़ जाता है ए स्क्वायर, आई को लगा बढ़ जाएगा थ्री डी में, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अब जैसे ये बढ़ा लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर, एक बाहर कर ले यस सर, कितना हो जाएगा रूट थ्री ए। तो हम लोग कहेंगे क्यूब की डायगोनल कितनी होती है रूट थ्री ए, कितनी होती है रूट थ्री ए, क्लियर है क्या यस सर। क्या वो डायगोनल होगा इसमें, दो डायगोनल दो, दो कितना होगा दो, जिजिर कोना कैसे खेलेगा, दो को बनेगा ना, देखो देखो देखो, ए
इन्हें स्कैनर कर सकते हैं। एक को इधर से इनको पेन पकड़वाओ, पेन पकड़ो, देखो एक को इधर से इधर कर सकते हैं, एक को इधर से इधर कर सकते हैं, इधर है दो, कितना होगा, दोनों बराबर होगा, कितना होगा, दूध के लिए, दूध के लिए, देखो क्या पॉइंट होगा ये बता दो, आठवां, आठवां पॉइंट, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब इज कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए, रूट थ्री ए, रूट थ्री ए, रूट थ्री गुना का भुजा, नहीं रूट थ्री गुना का साइड, रूट थ्री इंटू का साइड। अब इस तरीके से हम लोग जितनी जानकारी चाहिए थी क्यूब के बारे में सबको जमा करके लिख लिए, करेक्ट कर लिए, इतनी बातें हमें क्यूब के बारे में पता होनी चाहिए। अब ये आपकी पहला की नहीं दूसरा की नहीं, जब से आप पढ़ना शुरू करो सब क्लास के लिए है, है? आपको सेवेंथ के लिए भी है, एट्थ के लिए भी है, नाइन्थ के लिए भी है, टेंथ के लिए भी है, क्योंकि आप ऐसे समझाने पर हमको लगता है दूसरा का बच्चा भी तो दूसरा का बच्चा को समझ में आएगा नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा, खाली थोड़ी बहुत उसकी जोड़ घटाओ कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्त? यस सर। चलिए अब ये क्यूब हो गया कंप्लीट, क्यूब हो गया कंप्लीट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड को ऐड करेंगे, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन थी 3D का प्लस में हम लोग क्यूब को स्टडी किए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमसे हम आपको